आजा तेरी ये बात थी। कुछ दिन पहला हरियाणवी कलाकार दीप तेरा भाई और डीजे सन्नी ने एक गाने की अनाउंसमेंट करी थी जिसका नाम था छोरे जहर। हाफ विंडो डाउन करके अंडे गोरी तेरे शहर छोरे जहर। जिस गाने में कुछ रिप्लाई और टारगेट होने थे, तो आज की वीडियो में इससे गाने का रिव्यू करांगे और थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन भी करांगे और न्यू भी देखांगे कि किस कलाकार तय के कई है। बाकी एक बस उनका तो हिस्सा लग गया है, जनू किसे एक दो कलाकार ना गणाए तय कुछ ना कुछ कई है। तो बात कुछ इसी है कि यो गाना उख के साथ शुरू हुआ है जो कि पहला तो डीजे सन्नी ने गाया है और गणी मस्त वाइब है। बातचीत में बिलीव गोना सीधा मारे फेर छोरे जर। और फिर म्यूजिक में थोड़ी ही एनर्जी भर के दीप के वोकल्स आ जा है जो कि खुद भी एनर्जी ते भरे उड़ थे और आई बोल्स ने अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाने वाली परफॉर्मेंस थी। बातचीत में बिलीव गोना सीधा मारे फेर छोरे जर। फिर आवे है डीजे सन्नी का पहला वर्स। इसमें बढ़ती है न्यू कह दी कि ये रिप्लाई हम फेम खातर ना करते और तू सेठ को ना जो मारत फेम देवगा। मेरी लिमिटेशन ना मन फेम देगा तू सेठ ना। और साथ में कमाई और खर्चा का कंपैरिजन भी कर दिया गया जिसमें वे कलाकार टारगेट कर दिए जो कि गाने में अपना फेक लाइफस्टाइल फ्लेक्स करे जबकि असली मून का लाइफस्टाइल होजा कोन्या। बाकी ये बात बताती आना जो राइमिंग करी गई है वह गणी बढ़िया थी जुकर सेठ ना और वेतन ना। ये शब्द थोड़े ही अलग साउंड करते दिखे है पर इनकी कंपोज इजी बढ़ा दी जिस तरह तकड़ी डाल राइम करे है जुकर सेठन्ना वेतन्ना तो कुछ इस तरीके से राइम करे गई है। फिर फ्लो स्विच की बात कह के जो फ्लो है वो स्विच कर दिया जावे है। और फिर एक बात उस कलाकार पर चली गई जो कि बीन पर नचान की बात करया करे। और हो सके है आड़े आरमान के बीन गाने का रेफरेंस हो क्योंकि पहला भी उन पर नशाने देखे गए है और इस गाने में आगे भी है। फिर कुछ अपनी कला की औकात दिखाई जावे है कि बिना मिक्स करे अगर गाने की रो फाइल भी गेरा तो वह भी हिट हो जा है। और फिर एंट्री हुआ है दीप के वर्स की और छोरे के बॉडी लैंग्वेज में अलग कॉन्फिडेंस दिखे है। और फिर पहले फ्लो में कुछ टाइम पहला आए नो कंपटीशन गाने का जिक्रा कर दिया जावे है जिसमें दीप ने टीम ऑल गुड के कलाकार पर शॉट्स लिए थे जिसमें बिल्ला सोनी पताड़ा भी है और मेनली आरमान की बात उस गाने में करी गई थी। और फिर अगली लाइन में सिस्टम ने ठाक है पलटन की बात हुई है तो फिर कुछ उड़े निशाना चला गया। हर बार जो भोड़ेगा डमरू बाजा पलट दिया तेरा सिस्टम ठाके। और फिर एकदम तो जो फ्लो है वो कुछ अजीब तरीके का हो जा है और जो वोकल्स और म्यूजिक है वे उछलते चालन लग जा है। फिर एक निशाना आड़े के नकली रैपरा की बीट की तरफ चला जा है जो कि महंगी वीडियो तो बना ली है पर असली चीज आर्ट हो है जो कि उनकी गणीय कमजोर है। फिर इसके बाद उका जा है और फिर तो दोनों के वर्स आवे है। परीब के ने जो फ्लो है वो थोड़ा हा लो पिच वोकल्स और सॉफ्ट वॉइस में जाता दिखा। थोड़ा सा पैसे का फ्लैक्स कराया गया है और फेक रैपर सा पे शॉट लिए गए हैं जो कि हिप हॉप के नाम पे और कुछ रिलीज करे है। फिर एक और फ्लो स्विच देखा गया और फिर आवे है दीप का दूसरा वर्स और ये पार्ट थोड़े है मंबल रैप जिसे होते दिखे। शब्द न समझन खातर भी थोड़ा ज्यादा अंगा लग गया है पर सुनती आना जो फील आवे है वह गज थी। इस वर्ष में दीप खुद ने पान सिंह तोमर बतावे है और डीजे सन्नी ने वीरप्पन डाकू। तो न्यू बल में ये रेफरेंस भी इंटरेस्टिंग थे। इफ जब ओवरऑल गाने की बात करां तो मेनली जो फेक रैपर बन रहे है और हिप हॉप के नाम पर कुछ भी करने लग रहे है तो उनके ऊपर इस गाने में निशाने लिए गए है जिसमें एग्जैक्टली न्यू तो क्लियर को ना कि कौन से रैपर की बात है। और अगर मैं अपने अंदाजे तक बताऊं तो वो बताना भी गलत होगा पर जिस तरीके से दीप ने पहला स्टोरी लगाई थी तो उस हिसाब से इन चीजा ने थोड़ी थोड़ी केडी की तरफ भी मान सका हाँ। बाकी अटैक्स तो गाने में बहुत करे गए है पर वे सबलिमिनल जा रहे हैं मतलब के जिनके
ऊपर वे टारगेट है वे उन्हें समझ पाओगे और के फिर जो लखनिया है वो उन्हें समझे है। यार मारे सब लिमिनल लिरिकल क्रिमिनल छोड़ेंगे गेम घुमा के। पर एक बात यह है कि और डिस्ट्रैक्ट का ही डाल इसमें फालतू की बात ना करी गई, एक लेवल की गैल ये सारी बात करी गई है और कह सका हाँ एक बढ़िया लेवल का गाना दे रखा है। तो फ्लो स्विच से लेकर लिरिकल कंपेरिजन राइमिंग स्कीम वर्ड प्ले रेफरेंसेज कंपेरिजन सबलिमिनल अटैक्स और इन सब के साथ जो इस गाने ने प्रेजेंट करने का तरीका था वो भी बढ़िया था। इब जब थोड़ी सी बात वीडियो की भी करा तो यह बनाई है अर्षित चौधरी ने और बिना ज्यादा महंगी लोकेशन के सिर्फ यार दोस्त और उनकी गाड़िया की मदद से एक बड़े लेवल के गाने की फील इस गाने में दे रखी है। वीडियो में परफॉर्म करने वाले मानस की ऑफ बॉडी दिखे है और एक एक मूवमेंट कैप्चर करने की कोशिश करी गई है और साथ में कलर्स और एडिटिंग भी बढ़िया थी। इब इस गाने की उस चीज की बात करा जो कि मैंने थोड़ी कम बढ़िया लगी वह यह है कि जो दोनों कलाकार के दूसरे वर्स है उस टाइम पर जो वोकल्स है वे समझ माने थोड़े कम हो जा है। इब यह चीज जानबूझ कर करी गई है या रिकॉर्डिंग के टाइम माइक के ज्यादा नजदीक होने के कारण होगी वो कहना थोड़ा मुश्किल हो जा है। मतलब जो शब्द की प्रोनंसिएशन है वह थोड़ी सी कम क्लियर है और म्यूजिक के नीचे दब जा, पर कुछ भी हो वाइब तो है। और जब हमने यो गाने बनना सुना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार सुनकर देखो स्वाद कसुत्ता आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही था, जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो की गेल। इतने राम राम।